हेलो गाइस, आज हम लोगों ने एक न्यू रेसिपी ट्राई की है जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी है और मुझे इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगा। तो आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं और इसमें बहुत कम टाइम भी लगता है, बहुत कम इसमें एक्स्ट्रा मसाले ऐड होते हैं जो कि आपके पास घर में अवेलेबल होते हैं, उस चीज़ से ही वो बन जाएगी और खाने में भी बहुत टेस्टी बनेगी। तो इसके लिए नॉर्मल वही है, तेल गर्म कीजिए। और मुझे भी ये इसीलिए खास पसंद है क्योंकि इसमें बहुत कम टाइम लगता है और बहुत कम टाइम के साथ ही ये बहुत टेस्टी भी बनती है। तो अगर आपको भी हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप भी इसको ट्राई करना अपने घर पे, और आपको ये कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। तो हमें तो बहुत अच्छी लगी, और अभी इसमें देख लेंगे ये प्याज अगर अच्छे से भुन गए हैं, अच्छे से सिक गए हैं इसमें। तो हम लोग इसमें जो भी हमने लहसुन का पेस्ट और लाल मिर्च, हल्दी, धनिया, नमक इनका पेस्ट मिला के रखा था, ये सब इसमें डाल देंगे। अच्छे से पूरे को डालने के बाद हम इसको मिला लेंगे सारे को। तो मिलाने के बाद पूरे मसाले इसमें अच्छी तरह से मिल जाएंगे। तो हमने दो टमाटर लिए थे, अच्छे से पीस लिए थे उनको, वो इसमें डाल देंगे तो इनकी एक अच्छे से ग्रेवी बन जाएगी। ग्रेवी बनने के बाद जो हमारे पास मटर थे वो हम इसमें डाल देंगे। तो अब इसमें ग्रेवी ज़्यादा हो गई, मटर कम हो गए, तो हम थोड़े से मटर और डालेंगे, उनको वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद इसमें डालेंगे, तब इसका बैलेंस अच्छे से बन जाएगा। तो मटर और इसके साथ ही ग्रेवी जैसी हो जाएगी तो इसका बहुत अच्छा टेक्सचर आएगा। तो मटर हमने डाल दिए हैं, फिर इसको अच्छे से मिला लेंगे इसके अंदर। मिलाने के बाद इसको ढक देंगे थोड़ी देर के लिए, पकने देंगे उसको कि कैसा इसका टेस्ट आता है। और प्लीज़ आप भी इसको ट्राई कीजिए। और हम लास्ट में, सबसे एंडिंग में हरा धनिया है, हरे धनिया को बारीक बारीक काट लेंगे। बारीक कट करने के बाद जब सब्जी हमारी बन जाएगी उसमें उसको डाल देंगे, और सब्जी बहुत ही दिखने में बहुत टेस्टी है। तो आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमें बताइए कैसी है।